हेलो दोस्तों, मेरा नाम रजत प्रताप सिंह है। आरबी लीगल सपोर्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, गुजरात हाई कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि अगर किसी व्यक्ति की वजह से किसी को छोटी चोट लगती है और उसकी मौत हो जाती है तो उसे हत्या की कैटेगरी में रखा जा सकता है। आइए जानते हैं क्या है ये मामला। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। केस का टाइटल है स्टेट ऑफ गुजरात बनाम प्रकाश एंड पिंटू मिट्टू वाई केस, और इस केस की सुनवाई जस्टिस ए एस सुपरिया और जस्टिस एम आर मेंडे की बेंच कर रही थी। बेंच ने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए एक फैसले पर भरोसा जताया और ये कहा कि चाहे किसी को एक ही चोट पहुँचाई गई हो, अगर उस व्यक्ति को चोट मारने का पर्पज उसे जान से मारने का था तो इसे हत्या माना जाएगा। कोर्ट ने कहा, अगर पिटिशनर यह साबित करता है कि आरोपी का इरादा किसी व्यक्ति को जान से मारने का था और उसके द्वारा दी गई चोट मौत का कारण बनने के लिए काफ़ी थी तो यह क्राइम मर्डर माना जाएगा और इसे आईपीसी के सेक्शन 300(3) में बुक किया जा सकता है। गुजरात हाई कोर्ट ने यह फैसला आरोपियों को बरी करने के फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर किया। अपील में यह कहा गया था कि ट्रायल कोर्ट ने एविडेंस को नज़रअंदाज किया है, जैसे कि मरने से पहले दिए गए बयान क्या थे, हथियार के साथ आरोपी का बरामद होना और आत्मसमर्पण करना और चाकू पर मरने वाले व्यक्ति के ब्लड के निशान, और साथ ही साथ फोरेंसिक रिपोर्ट को भी नज़रअंदाज किया गया था। इस मामले में एविडेंस बताते हैं कि मृतक की बहन को आरोपियों ने छेड़ा था, जिसकी पूछताछ करने के लिए वह घटना स्थल पर गया था और वहां उसे आरोपी और उसके दोस्तों ने पकड़ लिया, जिसके बाद चाकू से उसकी गर्दन पर एक छोटा सा वार किया। गर्दन पर वार करने की वजह से उसकी एक इम्पोर्टेंट नस कट गई, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। सबूत बताते हैं कि दोनों के बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ था और ना ही मृतक को उसे लड़ने के लिए उकसाया गया था। आरोपी का इरादा उसे जान से मारने का था, इसीलिए वह वहां पर पहले से ही चाकू लेकर तैयार था। आरोपी ने अपने दोस्तों की हेल्प से मृतक को पकड़ा और उसकी गर्दन पर वार किया। इस केस में हाईकोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया और ये भी कहा कि अगर भुगतान टाइम पर नहीं किया गया तो 5,000 रुपये जुर्माना और बढ़ा दिया जाएगा और साथ ही साथ 6 महीने की सजा भी बढ़ा दी जाएगी। इस जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां पर जाकर इसे डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।